मुझे पता है मैं बड़े दिनों बाद आया हूँ। आपकी रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी और कमेंट्स पे कमेंट्स मारे जा रहे थे कि रिप सर्वाइवल आइलैंड। तो भाई ऐसा नहीं है, आरएल क्राफ्ट अब जल्दी ही खत्म होने वाला है, तो इसलिए सोचा कि अपने वापस से ट्रैक पे आ जाते हैं। और एक चीज और चेंज किया मैंने कि मैंने अपना वर्ल्ड अपने पीसी में डाल लिया है ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिले। तो भाई 68 लेवल के साथ हूँ और हमारा वेदर अभी तक हमने नहीं मारा है, तो मारूंगा मैं उसके लिए ओपी सूट बनाऊंगा तब मैं मारूंगा। तो तैयारी शुरू कर दिया है, यहाँ पर रखूंगा मैं अपने इंचैंटमेंट जो कि ओपी होंगे, जैसे अनब्रेकिंग, ये फेदर फॉलिंग 4 जूतों के लिए। और मेरे को एक सूट बनाना पड़ेगा जिसके लिए 24 डायमंड चाहिए होंगे और उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये 68 लेवल मैं यूज़ कर लूँ। मेरे को बुक्स चाहिए होगी भाई, कोई नहीं यार बना लेते हैं। तो अभी काफ़ी लोग मेरे पास कमेंट करेंगे कि मैं अपने मोबाइल में खेलूं, तो भाई देखो ये वही है, सेम सब कुछ वही है जो मोबाइल में होता है, सब कुछ वही चीज़ है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं इसको मोबाइल में खेलूं कि कहां पर खेलूं। ओ यार मेरी अभी क्राउच की आदत है, आरएल क्राफ्ट खेल खेल के भाई मेरी आदत हो गई है कि मैं बार बार क्राउच कर रहा हूँ सामान उठाने के लिए भी। चलो भाई देखते हैं कुछ खास इंचेंटमेंट आ जाए। प्रोजेक्टाइल नहीं लेता यार, वेस्ट नहीं करने मेरे को फालतू में प्रोजेक्टाइल, जब यूज़ ही नहीं करना तो लेने ही नहीं। रेस्पिरेशन ये ले सकते हैं, हमारे काम आएगा। और क्या ले सकते हैं, एफिशिएंसी 3 ले सकते हैं, कुछ बढ़िया सा आता है यार। इम्पेलिंग थ्रोन्स चलो ले लेते हैं। अब एक बची है डेप्थ स्ट्राइडर, ओके डेप्थ स्ट्राइडर काम की चीज़ है, ये ले लेते हैं। एक बुक ख़त्म हो गई भाई, एक मिनट इसमें कुछ डल के आया, ओ रेस्पिरेशन 2 डल के आ गया इसमें मैंने, मेरे पास ओ इसमें इन्फिनिटी 1 लू 2 नोकबैक 2, भाई क्या क्या चीज़ें डल के आ गई। फालतू की जो बुक है उनको तो रखो साइड में, जैसे कि पावर थ्रोन्स ये भी किसी काम की नहीं, इन्फिनिटी है हमारे पास। डेप्थ स्ट्राइडर चाहिए था वो मेरे को मिल गया, पर मेरे को पावर चाहिए भाई। जूतों के लिए तो होता जा रहा है ठीक है, डेप्थ स्ट्राइडर हो गया, फेदर फॉलिंग है जूतों के लिए हो गया, पर मेरे को और भी चीज़ें चाहिए यार। मेरे को अपनी तलवार भी नई बनानी पड़ेगी इसमें, लूटिंग 3, शार्पनेस 3, शार्पनेस 5 करनी है इसको, और मेंडिंग भी लानी है यार। अभी 56 लेवल बचे हुए है भाई, ये दे रहा है प्रोटेक्शन 2, ओके प्रोटेक्शन 2 से 3 बनेगी, 3 से बनेगी 4, 4 बुक से 1 बुक मिलेगी, 1 प्रोटेक्शन तो आएगी। और निकल ले यहाँ से, चलो हट ले बाहर नहीं आना। बुक्स के लिए लेदर चाहिए, लेदर नहीं है। आरएल क्राफ्ट में हम इनसे भी लेदर निकाल सकते थे पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये लेदर किधर है यार, ओके 4 लेदर यहाँ पर भी है, काम हमारा थोड़ा इजी हो गया। लकड़ियों की कोई कमी नहीं है और स्टिक बना लेनी है बहुत सारी क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ओके इसको बेचते हैं, अरे डील ख़त्म इसकी। ये क्या है फ्लिंट के बदले, अरे नहीं यार मैं एक काम करता हूँ 3 बुक और देख लूँ क्या मिल रहा है। लक ऑफ द सी 3 लेनी नहीं चाहिए यार मेरे पास है। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, क्या क्या घटिया घटिया इंचेंटमेंट है भाई सही में। ओ प्रोटेक्शन 3 ये थोड़ा कुछ काम का है। स्माइट 5 डल गया है इसमें। तो आज का हमारा जो काम है वो है हमारे घर में मधुमक्खी आनी है और मधुमक्खी का अपडेट आया था वो भी मैंने कुछ टेस्ट नहीं किया है। तो आज मधुमक्खी लाएंगे और उनके छत्ते भी लाएंगे। छत्ते के लिए मेरे को मेरे ख्याल से एक शेयर चाहिए होगा, मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई पड़ा हो। अरे है तो सही, हमें भूख नहीं लग रही या हमारी आदत होगी ये आरएल क्राफ्ट खेलते खेलते। लो वापस से लगा देता हूँ मैं, ये बनेंगे कुछ ना कुछ। चलो भाई बनो भाई, शकल मत ना देखो मेरी, मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ भाई। ओ ग्लास पेन भी तो दे सकता हूँ ना मैं, पर ग्लास पेन के लिए ग्लास भी तो चाहिए। और ये बंदा भाई सही में बहुत ही बेकार है, एक बार बेच के। अरे तुम गेट पे से हट लो, मेरे को पता है ये बाहर जाने के मूड में है, बाहर मत ना आइयो। मेरे जो लेवल है ना इनको खर्च करने, मुझे कैसे भी करके। मेरे पास और पेपर्स नहीं है क्या यार, रोना पड़ता है भाई सही में। आरएल क्राफ्ट में ऐसा नहीं था, बहुत इजी था आरएल क्राफ्ट में। इसको यहाँ डालो, बुक ले लो। ऐसे तो मैं यार और भी बुक ले सकता हूँ ना जो फालतू फालतू की है। पावर 1 ये फालतू, थ्रोन शार्पनेस 1 ये फालतू, ये सारी चीजें फालतू की है। इनसे बुक्स तो मिलेगी ना कम से कम, देख रहे हो 13 बुक आ गई मेरे पास ऐसे करते करते। अब कुछ बढ़िया मिलेगा मेरे को, ये फायर एस्पेक्ट ले लेता हूँ काम आएगा, क्योंकि तलवार अब बढ़िया बनानी है। फ्लेम इम्पेलिंग प्रोजेक्ट फ्लेम ले लेते हैं, मल्टी शूट एक्वा, एक्वा ले लेंगे, एक्वा भी काम की चीज़ है, मेरे को सूट बनाना है ना उसमें काम आएगी एक्वा। फिर से फायर प्रोटेक्शन, ये फालतू की बुक ली है मैंने अभी। रेस्पिरेशन 3 भी आ गया, ओ भाई तो चीज़ें तैयार है मेरे पास, बस मेरे पास फूल वूल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मधुमक्खियाँ भी तो लानी पड़ेगी ना यार, फिर तो दिक्कत है। और मैप कौन सा है, ये वाला है, यही तो है ना, ये कौन सा है, यही है हमारा मैप। अभी क्या करे, मेरी बोट की, ओ बोट किधर है भाई। चलो अभी क्या करे,
चलते हैं किसी जंगल वंगल में, मैं इस तरफ जाके देखूंगा। अरे ये बोट कैसे चलती थी। ओके इस तरफ जाके देखूंगा, शायद से मेरे को मधुमक्खी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ये बोट कैसे चल रही है भाई, सीधी चल रही। सही में अभी मेरे लेवल सारे ख़त्म हो चुके हैं और हमने ऐसी बेकार चीज़ों पर लेवल लगा दी अपने, पर कोई नहीं देखेंगे। ओह आइलैंड दिखा मेरे को, ये आइलैंड नहीं होना चाहिए, एक ज़मीन हो तो बढ़िया रहेगा। मेरे पीछे डॉल्फिन है क्या? हाँ डॉल्फिन लगी हुई है, जब भी तो मेरी स्पीड तेज है। ओके यहाँ पर आ गए, मधुमक्खी ढूंढनी है, मधुमक्खी का छत्ता चाहिए। मेरे को ये नहीं पता कौन सी बायोम में मिलेगी, शायद से ओक बायोम में मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे क्योंकि वहीं पे देखने को मिलती है, या फ्लावर बायोम में, हाँ उसमें भी देखने को मिल सकती है। तलवार ले लो। मधुमक्खी किधर है, मैं लाऊंगा कैसे यार इतनी दूर से। ओ विलेज में विलेजर्स भी है, एक कुछ देगा फालतू का, ये किसी काम का नहीं। ओ खजाना जिसमें कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। खाली बैठे हो क्या? बिल्कुल, मेरे से कोई डील भी नहीं करना चाहता इनमें से। अरे तो यार क्या दिक्कत है भाई, कर लो भाई, हद होती है भाई। चलो भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर, हमें यहाँ पर डिजर्ट टेम्पल मिल जाए वो भी बढ़िया है। ओह पिलेजर टावर, मैं लूटने वाला हूँ नहीं यार, ये मेरे ख्याल से लूटा हुआ है पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर मैं आ चुका हूँ पहले भी। ओके यहाँ पर एक आइस बायोम और यहाँ पर एक और, यार यही वाली आनी थी यार, कुछ ढंग की भी आ जाए करो बायोम। और यहाँ पर ये भी है ओशन मॉन्यूमेंट, इसमें जाना ही नहीं हमें। कोई पीछे है क्या? ओह फिर से ही, अभी रात भी हो रही है पर कोई दिक्कत नहीं है, ये आरएल क्राफ्ट नहीं है। रात में एक दिक्कत हो रहा है मेरे को, मधुमक्खियाँ नहीं दिखेगी, वो अपने छत्ते में घुस जाती है। इसका मतलब मेरे को बेड लेना चाहिए था यार। मेरे को एक विलेज चाहिए, विलेज में विलेजर्स होंगे, बस मेरे को बेड चाहिए। मेरे को कोई नई लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी और मैं घर कैसे आऊँगा यार, तो दिक्कत हो जाएगी कि नया की अरे पुराना ही है। ये अकेशिया में तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ मधुमक्खियाँ वो रहती भी होगी, मुझे अपनी बोट निकालनी पड़ेगी। अरे यार बैठ ले, मैं इतनी दूर आ गया और यहाँ पर सिर्फ डिजर्ट है। सही में यार ये तो बहुत गलत है, इतनी दूर आके भी सिर्फ डिजर्ट मिलना भाई सही में बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब मेरे को ये पार करना पड़ेगा। ओह वहाँ पर पेड़ है तो कोई नहीं, हमें मिल सकती है चीज़ें। वैसे चीज़ें क्या है, हमें सिर्फ मधुमक्खी चाहिए, वहाँ जाना। अरे यार फिर से अकेशिया बायोम, चलो कोई नहीं ये आ गई बायोम, इसमें देखे तो सही कहीं पे छत्ता हो, मधुमक्खी घूमती हुई मिले। मधुमक्खी को मारना नहीं है, अगर मारा तो डंक मारेगी और डंक मारने के बाद एक मिनट में वो मर जाती है, वो नहीं करना हमें बिल्कुल भी, मारना नहीं है उसको, हम उसको जिंदा लाएंगे बिल्कुल। मैं ऐसे घूमे यार, ओह दिखी 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 भाई, वो रही मधुमक्खी, अरे ये रही मधुमक्खी और ये रहा छत्ता। ओ भाई मिल गई यार, मेरे को वो भी तो बनाना था ना, कैंप फायर इसके नीचे लगाना था। ओ भाई ये मैंने गलत काम कर दिया, अरे मारो मत भाई, ये मर जाएगी अभी मधुमक्खी, इसने मेरे को डंक मार दिया। अंदर और भी छत्ते होंगे, मैंने गलत काम कर दिया। बारिश में एक ये भी दिक्कत है कि मधुमक्खियाँ दिखेगी नहीं, वो अपने छत्ते में घुस जाती है। अब छत्ता ढूंढना और भी मुश्किल है, इतनी मुश्किल से एक छत्ता मिला वो भी तोड़ दिया मैंने। ओह यहाँ पर विलेज भी है, ओह भाई बहुत बढ़िया, मेरे को भी सोना है भाई। ओके काम हो गया, पर बारिश बंद नहीं हुई यार, ये तो सच। ओह हो गई हो गई हो गई हो गई, बहुत बढ़िया। चलो भाई चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, मेरे को छत्ते चाहिए, मिला मिले। ओके यहाँ पर मधुमक्खी और छत्ता मिल गया, अब देखे तो सही है कैसे काम करता था। मेरे ख्याल से सीएस से ही होना चाहिए यार। अभी पता है क्या दिक्कत है, इनके छत्ते तो मिल गए पर इनको भरना भी पड़ेगा, जब ये छत्ते भरेंगे तभी मैं ले सकता हूँ ऐसे क्लिक कर करके। अरे तो कुछ है ही नहीं इनमें, मैं लूँ कैसे, मैं सिल टच से नहीं ले सकता क्या? शायद से ले सकता हूँ पर मैं सिल टच भी कहाँ लाया हूँगा, एफिशिएंसी लेके घूम रहा हूँ। ये भरेगा तो कुछ होगा, ये छत्ते के पास नहीं जा रही है पहले फूल से, हाँ ये इकट्ठा करेगी। और इसका रीज़न ये है कि जैसे ये इकट्ठा कर लेते तो पार्टिकल्स गिरते हैं तब ये छत्ते में जाती है। अब देखना पड़ेगा ये कब तक ये पार्टिकल्स इकट्ठे करेगी, पार्टिकल्स नहीं जो इन पे रहते हैं वो जो भी चीज़ है। ओके इकट्ठा किया इसने अभी अपने छत्ते में। ओ नहीं नहीं यहाँ छत्ता नहीं है, मुझे लगा ये छत्ता है। ओके ये शॉर्टकट मार के जा रही है भाई। ओके ये उसी ये सारी इसी छत्ते की मधुमक्खियाँ है, ठीक है जल्दी से आ जाओ भाई, ये भरेगा ना तभी मैं निकाल सकता हूँ। वो आ रही मधुमक्खी और भी आओ भाई, इसमें 2 मिनट तक रहती है मधुमक्खियाँ उसके बाद निकल जाती है। ये एक और निकली, मैं तब तक ना एक काम करता हूँ, ये जब तक भरे मैं विलेज चेक कर लूँ। अरे मैं इसको टेम कर लूँ क्या, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं टेम करने के लिए। बेकार खजाना, बुक काम की है बहुत मुश्किल से मिलती है। लाइब्रेरियन के पास कुछ है, अरे खाली, फिर यहाँ रहता कौन है भाई। ओके
ये ऐसे क्यों रख रखे भाई, मैं ऐसे डबल क्लिक करके भी तो कर सकता हूँ इकट्ठे। एमरल्ड चाहिए, ओ एमरल्ड आ गए भाई, 11 हो गए टोटल हमारे पास। और कुछ नहीं है इनके पास शायद से, तो नहीं है। अरे भाई कूदना नहीं, अभी दिक्कत ये है मैं मधुमक्खी लेके कैसे जाऊंगा क्योंकि बहुत दूर आया हुआ हूँ मैं, इतनी दूर आते आते तो बहुत परेशान हो जाएगी मधुमक्खी खुद। है ना, फूल ले लूँ क्योंकि यहाँ पर काम आएंगे, इनको ले जाने के लिए भी फूल ही काम आएंगे और इनकी बढ़ोतरी करने के लिए भी फूल ही काम आएंगे। ये भरा नहीं हुआ, चलो इनको फूल देते हैं, आ जाओ। एक और चाहिए मेरे को, मेरे को इसको ना ऐसे फॉलो करके लाना पड़ेगा अपनी बोट में बैठ के। हाँ ये तो बोट में भी बैठ सकती है ना, एक को बोट में बिठाऊंगा और एक को मैं लाऊंगा। हाँ आ गई आ गई, दो दो आ गई, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक इसको खिलाओ, एक इसको। ओके काम हो गया, हमने काम तो कर दिया। तो ये छोटी सी एक मधुमक्खी, इनकी मैंने बढ़ोतरी कर दी। और मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ यार, मेरे को ये ले जाना है। मैं काम करता हूँ, फ्लावर थोड़े इनके घर के आसपास ही लगा दूँ ताकि यहीं से ही चीज़ें इकट्ठी करते रहे। लो भाई कर दिया काम यहीं के यहीं। लेकिन ये छत्ता कब भरता है भाई, मधुमक्खी आ रही है जा रही है, छत्ते में कुछ हो नहीं रहा है। अभी खाली बैठा हूँ ना, मैं छोटी सी कैट को टेम करूँगा। आ जा भाई, इसको बैठा के लेके जाऊँगा। अरे ये मेरा काम खराब करेगा, मुझे पता था। ये भाई मेरा, सही बता रहा हूँ, इसको मार दूंगा मैं अगर ये ऐसे काम करेगा तो। ओके ये टेम हो गई, बैठ जा। अरे बैठ जा, अब तू यहाँ से निकल ले, मेरा काम हो गया। अब देखे तो सही छत्ते में क्या चल रहा है, देख रहे हो ये काम अच्छा हो गया, मैंने यहीं पे लगा दिए। अब इनका काम थोड़ा स्पीड से बढ़ेगा, ये टपकना शुरू होगा ना तो शायद से काम करेगा। चलो भाई, ओ भर गया भर गया भर गया, करो भाई मिल गए मिल गया हमें। अरे भाई मारना नहीं, पानी में घुस लो, अरे पानी में घुस लो भाई, ये पानी में अटैक करते हैं क्या? करते तो है, ये मर जाएगी अब मधुमक्खियाँ। पर ये छोटी वाली क्यों भड़की हुई है भाई, ये भी मर जाएगी, इसने मेरे को डंक मारा होगा, तो मारा है इसने मेरे को, मरेगी ये भी। वो छोटी का पता नहीं, देख रहे हो मर गई ये भी, क्या करे छोटी वाली को लेके आ रहे, वो भी मर गई भाई। ये सही में बहुत गलत है, तो इनको बचाने के लिए ना मेरे को यूज़ करना पड़ता था वो, इसके नीचे एक कैंप फायर लगाना होता था तो काम चलता था। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को थोड़ी सी बी ओ ढूंढनी है, उनको फूल दिखाना है और फूल बना के घर पे लेके आना है उनको। यही काम रह गया अभी हमारा। ये बिल्ली को भी लेके जाना पड़ेगा यार, ये छोटी सी बड़ी क्यूट लग रही है, लेके तो जाना पड़ेगा। बिल्ली आ रही है, ओ आ रही है, ये ऐसे घूमते घूमते यहीं पे बड़ी हो जाएगी फिर ये क्यूट नहीं रहेगी, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा यहीं पे। कभी कभी तो पता है क्या रहते हैं, छत्ते के अंदर घुसी रहती है, पता ही नहीं लगता कि ये बाहर है कि अंदर है। अभी छत्ते भी ढूंढने पड़ते हैं फिर। ओके मैं इस तरफ आ गया हूँ और इस, ओ एक छत्ता और है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर आसपास मधुमक्खियाँ भी होगी। इसमें से आवाज आ रही है, मधुमक्खी है इसमें, निकलने देते हैं। ओ निकल के आई एक, मत ओ दोनों आई, बहुत बढ़िया, दो तो चाहिए हमें कम से कम। आ जाओ भाई पीछे पीछे, ये कितनी दूर तक की रेंज है इनकी, रेंज बेकार रेंज है। आ जाओ भाई इधर देख ले। ओके बड़े प्यार से लाना पड़ेगा इनको, तू बड़ी हो गई, तू यहीं पे बैठ जा अभी, अभी मैं जा रहा हूँ। तो भाई घर पे ले आया हूँ दोनों मधुमक्खियों को, और अभी मेरे को क्या करना है, एक छत्ता बनाना पड़ेगा। छत्ते के लिए लकड़ियाँ चाहिए यार, टोटल मेरे को चाहिए 6 लकड़ियाँ। जल्दी से छत्ता बना लूँ, क्या रखना था मेरे को, इससे ये चाहिए और ये छत्ता, ये होना ज़रूरी है तभी वो मधुमक्खियाँ यहाँ पर रह पाएगी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। चलो किधर है यार मधुमक्खी, ओ भाग गई क्या वो, ओ आई आवाज़ आई आवाज़, एक आई, दूसरी किधर है, एक तो ये रही, एक किधर गई, वो रही वहाँ पर है। आ जा भाई मैं इसका छत्ता पता है कहाँ लगाऊँगा, मैं इसका छत्ता लगाऊँगा उस तरफ, ये और दिक्कत, यहाँ लगाऊंगा इसका छत्ता, पर यहाँ जगह नहीं है, यहाँ रख देते हैं। ओके इसको छत्ता दिखा, आ जा भाई इधर, मैं इसको छत्ता तो दिखा दूँ, ये रहा छत्ता तेरा, घुस जा अंदर। अब क्या मेरे को इनको टेम करना पड़ता है क्या, नहीं यार ये शायद से चली जाएगी अंदर। हाँ चली गई चली गई, उसको भी लाना पड़ेगा, आ जा भाई इधर। ओके ये भी हो गया काम, तो भाई ले आया मैं फूल यहाँ पर, ये रहे बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है, फूलों की कमी नहीं है, इनसे भी सनफ्लावर से भी ले सकती है, और ये रहे फूल, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आज का तो हमारा काम हो गया है, और इतनी सारी चीज़ें हमने कर ली है, और मेरी मधुमक्खी उधर घूम रही है इतनी मेहनत के बाद भी, एक तो मधुमक्खी यहाँ पर रहेगी। ओ आ रही है पास, बहुत बढ़िया, आती रहो आती रहो। ओके काम हो रहा है अच्छा, ये वापस से आ गई, एक वो रही,
वो भटकती आत्मा की तरह घूम रही है। चलो एक तो आई कम से कम, बाकी देखा जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं गेम के एपिसोड में।